करके टॉप 100 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग मॉर्निंग बीच वाइवेशियस वंदिता के साथ। 92.7 बिग एफएम पर दिस इज आरजे वंदिता, शो चल रहा है बिग मॉर्निंग बीट्स। एंड आज हमारे पास एक स्पेशल टॉपिक है बात करने के लिए, एंड उस पर बात करने के लिए एक स्पेशल पर्सनालिटी भी आज मेरे साथ हैं। लीवर डिजीज को लेकर आज हम बात करेंगे, एंड फॉर दैट आई हैव विद मी डॉक्टर राहुल कक्कड़ फ्रॉम पार्क हॉस्पिटल। सो डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की कॉमन लीवर डिजीजेज होती हैं और इनके सिम्टम्स क्या हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लीवर डिजीज बेसिकली इज अल्कोहल। पेशेंट हम देखते हैं कि लोग अल्कोहल लेते रहते हैं, बहुत लंबे टाइम तक अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल इज़ अ हेपेटोटॉक्सिन, मतलब लीवर के लिए टॉक्सिन है ये। तो जब हम लंबे टाइम तक अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, तो इट कैन कॉज लीवर, इट विल कॉज लीवर डैमेज इन अ लॉन्ग रन। देन अगर अदर कॉज लाइक वायरल हेपेटाइटिस स्पेशली बी एंड सी, दीज आर नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम बॉडी इन मोस्ट ऑफ द पीपल। सो अगर लंबे टाइम तक ये वायरस हमारी बॉडी में रहते हैं तो धीरे धीरे करके ये भी लीवर को डैमेज कर देते हैं। देन नाउ वी आर फेसिंग ए एपिडेमिक ऑफ व्हाट इज कॉल्ड नैश, व्हाट इज नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। मीन्स ये हम बोलते हैं फैटी लीवर है। तो कुछ लोग होते हैं स्पेशली जो डायबिटीज होते हैं या ओबीज होते हैं, उन लोगों में फैट डिपॉजिट हो जाता है लीवर में। इन कुछ लोगों में बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, बिकॉज मल्टीपल कारण से फैट उनमें लीवर में सूजन क्रिएट करता है, और लंबे टाइम तक सूजन रहती है उस वजह से भी लीवर फेल होने के चांसेस रहते हैं इन द लॉन्ग रन। तो दिस इज वन ऑफ द मीन्स वो स्पेशली इंडिया जो अभी डायबिटीज कैपिटल बन रहा है इंडिया वर्ल्ड की, इन अवर स्पेशली अवर पीपल इट विल बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑफ लीवर डिजीज इन द कमिंग ईयर्स। Then others are auto like genetic diseases like Wilson disease, hereditary hemochromatosis, then alpha 1 antitrypsin deficiency. These are rare causes. Then like autoimmune diseases like autoimmune hepatitis, primary biliary cirrhosis, primary sclerosing cholangitis. These are rare, but most common is alcohol, viral hepatitis and non-alcoholic steatohepatitis, especially in diabetes and obese people. Right, sir. So liver diseases ko diagnose kis tarike se karte hain? Ma'am, basically अगर पेशेंट, कई बार नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, जैसे बोला फटीग रहना, थकावट रहना या भूख ना लगना, ये कारण होते हैं, पर ये किसी और बीमारियों में भी पाए जाते हैं, ये करेक्टरिस्टिक नहीं है लीवर डिजीज के। करेक्टरिस्टिक बोले तो हम पीलिया होना, जॉन्डिस होना, पेशाब पीला आना, या एडवांस लीवर डिजीज में पेट में पानी भर जाना, कहते हैं पेटिंग एनसेफलोपैथी जिसमें बेहोशी आ जाना पेशेंट को लीवर डिजीज में, या खून की उल्टी होना। राइट सर, सर से अभी बहुत सारी बातें करेंगे, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप भी पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मैसेज करके रेडियो वाली कन्या और आरजे वंदिता के नाम से मिल जाऊंगी। स्टे ट्यून्ड, धुन बदल के तो देखो।